अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, कल जो ईकिया से लेके आई थी, ईकिया कितना लंबा मेरा ईकिया निकली है, ये लेके आई हूँ मैं पराठे बनाने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये ना, ऊपर से दुबाने के लिए। तो साथ ये दो लेके आई हूँ मैं, रैक कह लें क्या कह लें, इसके अंदर जो चम्मच नहीं दे, जैसे ये मैं लेके आई ना चम्मच, मैं तो खा रही हूँ ऐसे। मेरे जो पड़े हैं ना वो अलग दराज में ना खिलरे पिलरे पड़े हैं, तो ये मैं ऑर्गेनाइजर लेके आई हूँ, एक किस्म का सेट करती हूँ ना, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बड़े अच्छे लगे थे, है तो ये एक जो है ना वो 10 यूरो का था, 20 के आए हैं। तो ये जग लेके आई, दो लेके आई हूँ, एक मेरे बेटे ने फटाफट मिलेशे बना लिया, फान है लुकमान को, ये बड़े पसंद है, और ये लेके आए दो। और मैं क्या लेके आई, मैंने इतनी शॉपिंग नहीं की क्योंकि ज़्यादा जो मैं लेने गई थी वो थी लुकमान के कमरे की शराब टिश, जो टेबल होती है ना पढ़ने वाली, वो लेने ज़रूरी गई थी। और साथ में लहसुन का जो ग्राइंडर कह लें या टूल कह लें, वो लेके आई हूँ। और एक ये भी मैं ऑर्गेनाइजर लेके आई, ये भी चम्मच रखने के लिए लेके आई हूँ। दराज मेरे दो तीन ऐसे हैं जिसमें टोकरियाँ रखी हैं, मैं टोकरियाँ निकालूंगी तब इनको सेट करूंगी। और ये कटिंग बोर्ड लेके इतना कपारा मैं ले आई है ना, मैंने बस इसकी शेप देके उठाया, मैंने नहीं था लुकमान ने उठा के रखा है, मुझे पता इतना भारा मैं कभी नहीं सी ले आना। और ये लेके आया है, इसके ऊपर पाँव रखेगा टेबल के नीचे रखने के लिए, ये देखे ना ऊपर शक्ल बनी हुई है कि जब काम करेगा तो उसके ऊपर पाँव रख सकते हैं ना, तो जरा बच्चा जो आराम से ना काम कर सकता है। तो अभी ये शराब टिश जो लेके आए थे टेबल, उसकी ओपनिंग होने लगी है, इसका सिर जोड़ जड़ाया करने लगे। मैं और लुकमान अभी बाबा इनके काम पे गए हैं, तो उस वो आपको देखा है ना कल टिश जो है ना इनकी हम गाड़ी में लेके आए थे ना, तो गाड़ी से उतारते काम पे चले गए, क्योंकि एकदम उन्होंने बुला लिया से काम उतम। मैं कहनी बड़ा मेहरबानी कि वो आ गए हैं, अभी इतनी दूर थी, ठंड भी थी, तो चलो हमारा काम हो गया। तो अभी ये जो अभी निकाला ही था तो इनका फोन आ गया था कि मैं भी आ रहा हूँ, तो चलो मैंने कहा यह तो शुक्र है, अच्छी बात हो गई कि दोनों मिलके ना एक हाथ दो हाथ चार हाथ पता फर्क तो पैंदा ही ना। तो लुकमान कला ही लगा से मैनू तो बिल्कुल नक्शे की समझ नहीं आती, मैं इन मामले में बड़ी माठी हूँ। एक होता है ना कि पेपर के ऊपर नक्शा ये देखे बनाओ वह कि ऐसे जोड़ना है ऐसे जोड़ना है, मुन्नू जरा जिन्नी समझ नहीं आती बिल्कुल। जब से मैं जर्मनी में आई हूँ ना तो चीज़ें जब भी लेके आते ऐसे ही मिलती हैं, आपको खुद जोड़नी पड़ती हैं। मुझे उस वक्त बच्चे छोटे होते थे तो मैं सिर्फ इनको ना पेज पकड़ाने के लिए होती थी कोई हथियार पकड़ाने के लिए, जो टूल होते हैं जोड़ने चढ़ाने वाले वो मैं काम करती थी, बाकी मैनू कख समझ नहीं सी आती कि कहड़ा पेज कितने लाना थे, हजे भी कोई नहीं आती। तो शुक्र है अब लुकमान बड़ा हो गया है, थोड़ी हेल्प मिल जाती है ना। तो मैं अभी इनके जो बेड जोड़ लिया, बेड के नीचे घुसी बैठी हूँ, साथ फान को मैं लिटाया हुआ है कि सो जाए क्योंकि रात का टाइम है, काफी लेट हो गए हैं। तो जैसे ही टेबल वगैरह जुड़ेगी, जैसे सेट होगा, बस थोड़ा सा रह गया, पर्दे शर्दे आ गए, सारा कुछ आ गया है, बस इनकी जैसे इस्त्री वगैरह करके ना लगाने, बाकी सारा कुछ लुकमान ने सेट सुट कर लिया, तो बड़ा ही अच्छा हो गया। तुहानू पता साफ सुथरा कमरा हो जाए, बच्चे रिलैक्स हो जाए, बड़ा मजा आता है। तो खैर बेड तो साफ सुथरा जुड़ छुड़ गया, अब ये शराबटी जुड़ती है, तो जैसे ही पर्दे शर्दे लगेंगे नीचे, इसने रैक लेके आना, रैक क्या कहते हैं टैपिश लेके आना, वो दिखाऊंगी फिर सेट करूंगी। इनिया जुतियां सन तो लगता नहीं सी कि इनिया जुतियां हो गई, लेकिन कई भी छांटी करन वालियां ने। हां ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਹਾਂ बदनाम कर देना होंगे बुढ़िया। चलो काम करो, काम वाल ध्यान करी दे। हाँ मेनू दे खामोशी घट काम ज्यादा, खामोशी घट खामोशी घट इन बाहर कढ़िए। अच्छा जी सारी स्वेदी करनी है, खाना पिया में छोटे छोटे ओ मशाल असी ओ बड़ी दूर गए सी, असी ते शहर जाइए तो कई कहने की बड़ी दूर आ गए, नहीं और रात रहे सी पता नहीं, छोटे छोटे लैन गए सा की ना स्टार्ट दा पता नहीं की जनाब। चलो मेरा किचन देखो ना, आज मैं किचन दा नाल सारी दुनिया दे खलारे पा ले ने, दराज वेलो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ? ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਲੂ ਪਾਲਕ, ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਸੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਹਾਏ ਬੜੇ ਘਰਾਰਾ ਹੈ। ਓ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਅਸੀਂ
तेन याद है कि नहीं पेटियां जो अम्मी जी साफ कर देती सी हाँ उदे तो खुश पेटियां दे विचों बहुत शैवा वो निकलदियां सी, निकले साडे काम दी भी नहीं सी हुंदियां लेकिन इंटरेस्टिंग बड़िया शैवा हुंदियां सी ना। फिर जो पेटिया की खुशबुआं होंगे सन और रजाइया दिया पता नहीं कहे चीजा चले जाए समझ तो बाहर चाबी साडी घर दी लभ जाए तो फिर मेनू मिल जाए मैं अक्सर तरले करती रही तो ये जब लुकमान का कमरा हमने स्टार्ट करना तो उस वक्त सोच लिया था कि हम लोगों ने ये भी करना है। तो अभी मैंने जो ये वाला हिस्सा साफ करना है जो आपको दिखा रहे हैं ये जो भी तो पहले अलमारी बाहर फेंक के आनी रख के आनी है बाद में कोई ले जाएगा। ये ना 16 साल पुरानी है ये मेरे बेडरूम की थी फिर बेडरूम फेंक दी गया फिर ये मैंने नीचे ले आई तो जूते वगैरह रखने के लिए बस जितने जितने सेट करती नहीं कोशिश करती चीज़ भी ऐसा लेकिन अब इसकी बस हो गई थी दराज बहुत बार अड़ते थे रुक मतलब सही बंद नहीं होते थे तो मैंने अब इसकी सफेदी वगैरह भी चेंज करी तो मैंने कहा सफेदी कर लूँ ये देखिए मैं बड़ा खलारा पाया मैंने पता से ना थलू प्लास्टर करके सुटना तो मैं इंतहा का खलारा पाई ये फर्स्ट है जो मैं कर रही हूँ बाकी कभी मैंने नहीं सफेदी की। चलिया शाम नू खाना लैन बच्चों का अज वीकेंड है तो बस ना वीकेंड शिकार भी लेंदे रहेंदे ने तो वीकेंड भी पक्का वे तो हुण टाइम हो गया 8:30 ते बुक करवाता है फोन करके चलो बस चुकना है ते आ जाना बड़ी ठंड जे माइनस होवे बहुत ठंड है बहुत ठंड है। मेरे मियाँ ना छापर सुटन गए ने ते लोग कहिंदे चीज़ां चुक चुके सैड ते करते रहिंदे ने सच्ची उन्हां नूं आदत चंगी है खास ते रस्ते विच कोई चीज़ पई है या कुछ भी ऐसा खाण पीण वाला पिया तो इन्हां नूं चुकदे ने अगू बच्चों भी उही आदत है मैं भी कोशिश करनी नज़र आए तो चुका तो मैनू आदत पई इन्हां कोलों। चलो टोपी लै लैनी सिर ते इन्नी ठंड है यख वाली ठंड है तुहाडा रोशनी च नहीं लभदा हुण तो सची मुची तेरे चिट्टे दिन में मूंह नहीं लभदा एह्दे विच गुस्सा करन केड़ी गल है सच नूं एक्सेप्ट करीदा हकीकत नूं व्याह दे दिन तू मैनूं कहंदी सी तेरी रीति करोशन लगन दी आवे रीति करोशन दे जरा रीति करोशन तुसीं काटो किसे नाल तुसीं आप ही रो झूठ कदी कदी बोलना चाहिए किसी ने खुश करने ना झूठ कहते बोल लेना चाहिए था। रोज बोल दे मेरे तो कदी कदी बोलना मैं हजम कर लिया डेली बोल दे हो ना तलवार कि प्यारा कलर आंदे ए नहीं है जरा ए वाला सीन बहुत अच्छा आ रहा है सिर धोंदे ने सिर धोंदे ने सिर धोंदे ने चलो गड्डी बाहर कड्डो चार कहने ने मैं तां नहीं नहांदा मैं खोर ना जावां बोलो तो सही मेरा तो दिल करदा तेरे बिठावां ही ना है मेरा दिल करदा तेरे बिठावां ही 18 दिन में थोड़ा जिहा बाहर ही तुस तो सच बोल जांदे रोज जी शुक्र अल्लाह ताला ज्यादा तदी तेरे ते नूर है मेनू तो खैर बहुत ही पै गई सुनने कहते
ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੋ ਮੈਂ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਾ ਬੈਲਟ ਲਾਓ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਕੋਲਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਏ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਆਉਣਾ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਲਈਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਚਲੋ ਹਾਏ ਉਹ ਟਰਾਮ ਚੱਲੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ ਹਾਏ ਅਰਕ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਵਹਿਮਨ ਬੁੱਢੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫੀਤੇ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਹਿਮਨ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਟਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਾਏ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਹਾਫਜ ਨਾਸਰ ਸਭ ਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲੇਤੀ ਹੂੰ ਕਰ ਵੀ ਲੇਤੀ ਹੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਮ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਰਤੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਤੇ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਖਿਲਾਰਾ ਸ਼ਲਾਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤੋ ਖੈਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਛਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਦੇ ਛੜਿਆ ਸੀ ਆਰਡਰ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਿਲਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀਏ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲਟਾਈਏ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥਕਾਵਟ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼